देखिए बच्चों पहला लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था मैंने बोला था कि पीपीटी से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था जो ज्यादा नहीं अट्ठारह बीस मिनट का था तो आज भी ऐसे ही छोटा ही लेक्चर डिस्कस करेंगे बच्चों तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक है वो ये है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओके okay? देखिए बच्चों तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, so, में हमने लिखा कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओके okay? पॉइंट वन है बच्चों, वो बहुत आसान है आप सबको मालूम भी है आप वहां पर देख सकते हैं लिखा है कि वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस नेमली पॉजिटिव एंडटिव एंड दियर इफेक्ट टेंस टू कैंसल ईच अदर और इनके इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं इसीलिए नेचर में जो एटम्स या मटीरियल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं ना तो दो तरह के चार्जेस पाए जाते हैं एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव दूसरा पॉइंट है बच्चों देखिए दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेज बिटवीन दम दो चार्जेस दो चार्ज बॉडी का साइज उनके बीच के सेपरेशन के कंपेरिजन में बहुत कम है तो उन चार्ज बॉडी को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं मतलब आप आप ये कह सकते हो कि सर एक इतना बड़ा चार्ज बॉडी जैसे यहां देखिए बच्चों हम लोग कह सकते हैं एक इतना बड़ा चार्ज बॉडी देखिए एक इतना बड़ा चार्ज बॉडी एक पॉइंट चार्ज कहलाएगा अगर हम इसे बहुत दूर से ऑब्जॉर्व करें तो वो यही बात लिखा है कि अगर अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा है दो चार्ज के बीच में तो चार्ज बॉडी भी पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है तो उसे हम पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट इन द स्पेस हम ऐसा मानते हैं कि एजूम करते हैं ये एजूमेशन है कि सारे चार्ज है ना सारे चार्ज चार्ज के सारे कंटेंट किसी बॉडी पे हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट पर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऐसा हम मानते हैं वो है अलग बात है ये पॉइंट चार्ज केस में किस केस में पॉइंट चार्ज केस में ऐसा मानते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज केस में ऐसा मानते हैं ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों अगली प्रॉपर्टी अगला प्रॉपर्टी है एडिटिव एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज या एडिटिविटी ऑफ चार्ज एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है बहुत सिंपल सा बात है क्या कहता है बच्चों अगर किसी सिस्टम में दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 तो टोटल चार्ज अगर आप निकालना चाहते हैं तो सिंपली दोनों को अल्जेब्रिक समेब्रिक सम मतलब प्लस है और माइनस है तो हो हो जाएगा प्लस प्लस है तो ऐड जाएगा माइनस माइनस है तब भी ऐड हो जाएगा एलजेब्रिक सम करते हैं Q1 Q2 का इसका मतलब है चार्जेस एंड अप लाइक रियल नंबर वो एक रियल नंबर के जैसे हो जाते हैं दे आर स्केलर एंड लाइक द मास ऑफ द बॉडी और मास की तरह एक तरह से ये स्केलर भी होते हैं चार्जेस If the system contains देखिए लिखा हुए the system contains n charges q1, q2, q3 up to qn then the total charge total charge of the system is सारे charges का sum equal to हो जाएगा total charge क्योंकि additive nature follow करता है इसलिए charges has magnitude but no direction similar to mass मास की ही तरह मास की तरह चार्जेस के पास मैग्निट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है वन डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास मास और चार्ज के बीच में एक डिफरेंस है क्या डिफरेंस है बच्चों मास और चार्ज के बीच का डिफरेंस क्या देखिए चार्ज और मास के बीच का क्या डिफरेंस है बच्चा लोग देखिए कि मास ऑफ इज ऑलवेज पॉजिटिव वेर इज चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ये डिफरेंस है मास और चार्ज के बीच में प्रॉपर साइन प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड प्रॉपर साइन हैज टू बी यूज्ड यूज्ड हैव बी एडिंग द चार्जेस इन द सिस्टम जब भी आप किसी सिस्टम में चार्ज को एड करते हैं तो प्रॉपर साइन को यूज करना चाहिए कौन सा करना है प्रापर साँग। प्रापर साँग तो प्लस का पूरा ख्याल रखना है जब भी हम को करना चाह करेंगे तो किसी सिस्टम में एक, एक दिया जैसे हमें टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस फाइव मान लो तो अगर हम पूरा चार्ज निकाले जाएंगे तो सबको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे ऐड कर देंगे साइन के साथ लिख के ऐड करेंगे जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया ओके नेक्स्ट क्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए क्या है ये प्रॉपर्टी क्या कहता है एक्सपेरिमेंटली इट इज स्टैब्लिस्ड दैट ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज यूनिट बाय ई मतलब कि दुनिया का कोई भी चार्ज है कोई भी फ्री चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है मतलब किसी बॉडी पे चार्ज या तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा या तो दो का होगा या तो तीन का होगा या तो चार का होगा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है ये कहता है क्वांटाइजेशन इसके लिए हम लोग फॉमला भी इस तरह का यूज करते हैं अगर द चार्ज ऑन अ बॉडी है ना इज ऑलवेज गिवन बाई किसी भी बॉडी का चार्ज जो होता है वो लिखा जाता है Q any, जहां पर N क्या होना चाहिए बच्चों जहां पर एन क्या होगा जहां पर एन होगा इंटीजर एन वेर एन इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी इंटीजर ले सकते हैं नेक्स्ट देखिए द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज अ चार्ज दैट द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज किसी भी चार्ज का जो बेसिक यूनिट है या बेसिक जो वैल्यू है वो वही चार्ज है जो किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास होता है क्योंकि फंडामेंटल चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को क्या बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज कहते हैं ओके okay, या देखिए बाई कन्वेंशन ये कन्वेंशन कहता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है भाई कोई हमारे पास डेरिवेशन नहीं है कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इट्स अ कन्वेंशन कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्या लिया जाता है नेगेटिव और और प्रोटॉन के चार्ज को क्या लिया जाता है पॉजिटिव और देर फोर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रिटर्न माइनस ई एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन रिटर्न प्लस ई क्योंकि कन्वेंशन कहता था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इनका दिखाया देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों द फैक्ट दैट अभी हम लोग क्वान में ही चल रहे हैं द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई टर्म एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना ये यही जो टर्म है भाजपा ई e का मल्टीपल मतलब सबसे छोटा चार्ज ई e है और ई e के मल्टीपल के फॉर्म में चार्जेस डेवलप होते हैं किसी भी बॉडी पे होगा देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन द फिजिक्स वे आर द सर्टे फिजिकल क्वानिटीज आर क्वान्टाइज ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहां पर सर्टन फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं क्वान्टाइज होते हैं जैसे अगर आप फोटोन एनर्जी लाइट की एनर्जी की बात करें तो वो भी क्वांटाइज होता है फोटोन एक सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट उस फॉर्म में होता है मैं ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसा यहाँ पर चार्ज के, के केस में है. क्वानजीरा चार्ज वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाई द एक्सपेरिमेंटल लॉ इलेक्ट्रोलिस डिस्कवर्ड बाई द इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फराडे फराडे ने सबसे पहले पह, सबसे पहले ये बात सजेस्ट किया था कि भैया जो चार्ज होता है वो 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 क्या होता है वो वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है या वो क्वेंटाइज होता है ना उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कौन सा था वो किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट में ये बात बताया था कि ऐसा होता है उसके बाद इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड इसके बाद इसे एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट किया था मूलिकन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, experiment. उसमें experimental demonstration हुआ था बच्चों ड्रॉप उसमें एक्सपेरिमेंटल हुआ चार्जेस जो होते हैं वो वो क्वान्टाइज होते हैं वो 1912 में ऐसा हुआ था इन द दब थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री है लेकिन पता होगा तो अच्छी बहुत अच्छी बात है नॉलेज बढ़ेगा बच्चों इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कुलम इसे हम लोग कुलम का नाम देते हैं और इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं चार्ज के यूनिट का नाम कुलम है और डिनोट करते हैं किसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों कुलम इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कुलम इज द कुलम इज डिफाइंड एज द यूनिट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है ना तो कुलम जो है करंट के टर्म्स में भी डिफाइन किया जा सकता है कुलम ना द यूनिट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है सबको मालूम है कि इन दिस डेफिनेशन वन कुलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर इज वन एम्पियर इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या होता है बेसिक यूनिट बोलिए होता है इक्वल टू वन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन कुलम ये हो गया आपका चार्ज का बेसिक यूनिट इट इज इट इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ध्यान यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है ये वैल्यू चेंज नहीं होगा बच्चों वर्सल कॉन्स्टेंट दस देयर आर द अबाउट ध्यान से सुनिएगा बच्चों एक कुलम में अगर आप लेते हैं एक कुलम एक कुलम में वन कुलम इज इक्वल टू आएगा एनी देखे हम लोग लिखे यहां पर एन और E सो so N की वैल्यू हो जाएगी वन कुलम अपॉन E यहां से सॉल्व किया तो कुल इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन है बच्चों इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलता है तो एक कुलम चार्ज बनता तो आप ये बात बोल सकते हैं कि वन कुलम चार्ज एक बड़ा चार्ज है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तब जाके वन कुलम चार्ज बनता है या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा चार्ज है ऐसा भी कह सकते हैं क्लियर है ना तो हम इसे एक बड़ा चार्ज मान लेते हैं वन कुलम को

If a body N1 and N2 protons, अगर किसी बॉडी के पास एन वन इलेक्ट्रॉन है, और है तो क्या होगा एक प्लस चार्ज होता, एक होता, एक होता एनस तो एनस हो है एक माइनस चार्ज होता है इन टू क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये प्रोटॉन का चार्ज दोनों सम करेंगे टोटल चार्ज आएगा और एन वन एन टू ऑलरेडी इंटीजर है तो एन टू माइनस एन वन भी क्या होगा इंटीजर मतलब इंटीग्रल फॉर्म में तब भी आएगा वो

और अच्छे से और अच्छे से डिफाइन करते जा रहे हैं क्वांटाइजेशन को साइज इज क्योंकि स्टेप का साइज ही रहेगा सबसे छोटा चार्ज यही है वेरी स्मॉल बिकॉज एट द माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा होता है जबकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हम चार्जेस डील करते हैं वो कुछ माइक्रोकुल तो उसके कंपैरिजन में जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं स्टेप्स क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं ना जिस स्टेप से हम लोग क्या करते हैं चार्जेस को बढ़ा रहे हैं वो स्टेप बहुत छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो एट दिस स्केल अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्जेस ऑफ ए बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज यूनिट्स ऑफ इज नॉट विजिबल उस स्टेप पर जाने के बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल के जा, पे जाने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि ई स्टेप के साथ चार्ज बढ़ रहा है ऐसा लगता है कि चार्ज बढ़ रहा है है ऐसा लगता हालांकि बहुत छोटा जैसे मैंने कहा ना चार्ज की वैल्यू यहां से यहां पहुंचानी है तो ये जो जो स्टेप हो गया इतना छोटा स्टेप होगा इतना छोटा स्टेप होगा बच्चों ऊपर जाने का कि ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूअस बढ़ रहा है स्टेप में नहीं बढ़ रहा जबकि वो स्टेप होगा जबकि वो क्या होगा स्टेप होगा लेकिन लग नहीं रहा है कि वो स्टेप है ओके समझ में आ रहा है मेरा बात बच्चा लोग बोलिए देखिए देखो बच्चा लोग आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लोस्ट एंड द इट अपियर्स टू बी कंटिन्यूअस वही बात कर रहा था बच्चों कि वो जो स्टेप वाले नेचर है वो गायब हो जाते हैं और वो Uh, वो क्या होता है कंटिन्यूअस अपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर अगर माइक्रोस्कोप की लेवल का चार्ज है तो दिस सिचुएशंस कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट एंड लाइंस वो आपको मालूम है कि जो कोई भी लाइन होती है वो पॉइंट्स का लोकस होता है आप सबको मालूम ढेर सारे पॉइंट्स के लोकस को ही लाइन कहते हैं होते सारे पॉइंट्स है लेकिन आपको फील आता है कि जैसे वो कंटिन्यूअस है वैसे ही चार्जेस हमेशा ई स्टेप के फॉर्म में क्या होते हैं बढ़ते है और घटते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा चार्ज है तो वी फील लाइक दैट इट इज कंटिन्यूअस है ना ठीक है डॉटेड लाइन व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस अपियर कंटिन्यूस टू टू अस बट इट्स नॉट कंटिन्यूस इन रियालिटी वही एग्जैक्टली exactly सेम वही बात कह रहा हूं मैं भी अगर डॉटेड लाइन को बहुत दूर से देखे तो आपको ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूअस है लेकिन इन रियालिटी वो कंटिन्यूस नहीं होता है वही बात यहां पर समझाने की कोशिश हो रही है लिखा बच्चों एज मेनी पॉइंट्स दे वेरी क्लोज टू ईच अदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत एक दूसरे के पास वेरी क्लोज टू इच अदर नॉर्मली गिव एन इंप्रेशन

ट द माइक्रोस्कोपिक लेवल देखो दो तरह का लेवल होता है एक माइक्रो दूसरा माइक्रो हम लोग माइक्रो की बात करते बड़ी बड़ा लेवल पे माइक्रो छोटा लेवलोपिक लेवल कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई से बहुत बड़ा चार्ज होता है, है हम लोग इस तरह से बहुत बड़ा चार्ज होता है माइक्रोस्कोपी लेवल पे का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपेरिजन में सिंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज का देखो वैल्यू इतना होता है और अगर आप वन माइक्रोकुल में देखें तो करीब टेन पावर थर्टीन टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का लगभग इतना टाइम्स ज्यादा चार्ज है सॉरी मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज यूज करेंगे तब जाके एक माइक्रो इसीलिए कहते हैं बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा होता है कौन माइक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा चार्ज माइक्रोकुलम चार्ज होता बड़ा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता छोटा चार्ज ऐसा कुछ ना

इस स्केल पर अगर आ जाएंगे बड़ा वैल्यू के केस में तब हम उसे ई स्टेप नहीं बल्कि उसे कंटिन्यूस वेरिएशन के टर्म्स में सोच सकते हैं मतलब जब चार्ज बहुत बड़ा हो सिंपल सी बात है तब हम क्वांटाइजेशन का बात नहीं करते हैं मानते हैं कि चार्ज क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा ऐसा कुछ कहना चाहता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट बट एट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल ध्यान रहे क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज हैज नो पार्शियल कॉन्सिक्वेंस देखिए वही चीज ना एंड एंड इट कैन भी इग्नोरड माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसे इग्नोर कर सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसे इंक्रो इंक्रोज सॉरी इसे क्या होता है इग्नोर नहीं कर सकते हैं माइक्रो लेवल पर कर सकते हैं क्योंकि माइक्रो बड़ा चार्ज है उस लेवल पर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इग्नोर किया जा सकता है बट माइक्रो पे नहीं किया जा सकता है इसलिए जब भी बड़ा चार्ज होगा तो हम क्वांटाइजेशन के बारे में ज्यादा दिक्कत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे ना हाँ, छोटे चार्जेज होंगे तब लगाते हैं एट दिस माइक्रो ध्यान एट दिस माइक्रो माइक्रोस्कोपिक लेवल वेयर द चार्जेस इन्वॉल्व आर द ऑर्डर ऑफ द फ्यू हंड्रेड ऑफ ई है ना ठीक है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो स्टेप्स ई e के फॉर्म में चार्जेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा थ्योरी है लेकिन मजेदार है पढ़ेंगे अच्छा लगेगा आपको अगला पॉइंट है दैट इज They can be counted. They appear in discrete lumps and a quantization of charge cannot be ignored. है ना? That is, they can be counted. They appear in discrete lumps and quantization of charge cannot be ignored. है ना? अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा तो quantization of charge को ignore नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा तो quantization of charge को हम ignore कर सकते हैं। at this scale involved that the very important ध्यान रहे it is the scale it is the scale involved that is very important ये microscopic level का जो point है वो important है जिसमें हम हमेशा ख्याल रखेंगे कि कोई भी charge जब भी exist करेगा वो integral multiple of the electronic charge के form में होगा उसी को quantization कहते हैं next next जो हमारा property है वो conservation of charge law of conservation of charge के बारे में बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकार्ज इलेक्ट्रिकटेड सिस्टमलेटेड सिस्टम में ही चार्जेस क्या होते हैं कंजर्व होते हैं अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो नेट इलेक्ट्रिकवेज रिमेन कॉन्स्टेंट तो सारे चार्ज टोटल चार्ज क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट जैसे एक बॉडी का चार्ज है दूसरे बॉडी का चार्ज है दोनों को अब हम लोग क्या करते हैं कॉन्टेक्ट में ला देते हैं जब उनको कॉन्टेक्ट में ला देंगे बच्चों तो पहले का चार्ज और बाद का चार्ज अगर आप देखें तो क्या होगा बोलिए इक्वल रहेगा तो चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट बी टू तो ऑब्जेक्ट ए बट द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द सिस्टम टोटल सिस्टम का चार्ज वो कांस्टेंट रहेगा जैसे अगर अभी इसका चार्ज क्यू ए है और इसका क्यू बी है बच्चों और इसका मान लो बदल गया क्यू ए डैश और ये क्यू बी डैश तो अगर आप सम देखें क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू आएगा क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश ऐसा कर सकते हैं ना ये इक्वल होंगे ओके नेक्स्ट अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड सिल्क, बिकम्स पॉजिटिव एज इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन एंड द सिल्क बिकम्स नेगेटिव एज द अमाउंट ऑफ गेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन द आइसोलेट सिस्टम ऑफ द ग्लास रॉड एंड सिल्क इज न्यूट्रल देखिए बच्चों जब आप ग्लास रॉड और सिल्क को रब करेंगे रब करेंगे दोनों चार्ज एक प्लस और एक माइनस एक एक बॉडी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा गेन करेगा जितना लूज किया उतना गेन किया तो टोटल चार्ज पहले भी जीरो था अभी भी क्या होगा जीरो होगा तो रब करने से ऐसा एग्जांपल आया जो ये ये दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कंजर्व होता है इन पेयर प्रोडक्शन और इन द पेयर एनहिलेशन द चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व पेयर प्रोडक्शन या पेयर एनहिलेशन एनहिलेशन मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिल जाएंगे प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनेंगे उस केस में टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है बच्चों इन दिस प्रोसेस द गामा रे ट्रांसफॉर्म इनटू द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन गामा रे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो गामा न्यूट्रल है ये दोनों मिला देंगे तब भी क्या रहेंगे न्यूट्रल ही रहेंगे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कंजर्वेशन का न्यूक्लियर रिएक्शन में जो टोटल चार्ज होता है बच्चों वो कंजर्व होता है मतलब का टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए का टोटल चार्ज इज इक्वल टू आएगा प्रोडक्ट का टोटल चार्ज जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं रिएक्टेन का चार्ज इज इक्वल टू प्रोडक्ट का चार्ज फाइनल चार्ज यहाँ पर कंजर्व ही है दोनों में देखिए इनिशियल फाइनल चार्ज कंजर्व हो गया क्लियर है देख लीजिए यहाँ पर इनिशियल और फाइनल चार्ज इक्वल है कंजर्व हो गया क्वेश्चन आ गया एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेट नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं बोलिए रिमेन आइसोलेट सिस्टम में नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट आंसर आएगा रिमेन कॉन्स्टेंट ओके क्लियर नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों

सो so, बच्चों आज के लिए इतना बहुत है अगला टॉपिक क्या है वो आप देख सकते हैं अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिफिकेशन जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बना रहे हैं छोटे छोटे लेक्चर्स हैं ताकि आप उसे पढ़ सकें ये आज का इंपॉ आज का जो लेक्चर था पूरा बढ़िया थ्योरेटिकल था अच्छे से पढ़िएगा अच्छा समझ में आएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं इसमें ओके बच्चों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में ओके बाबा टेक केयर थैंक यू सो मच